अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है पीएमसी रजिस्ट्रेशन मेथड की किस तरह से जो है वो हम एज एमडीकेट स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत आसान सा जो है वो ये मेथड है जो कि आज मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को साथ साथ फॉलो करते हुए अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स और जो इम्प्रूवर्स जो पिछले साल अपने जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके थे उनके हवाले से भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे, तो इसी वीडियो में जो है वो मैं सबका सवाल का जवाब भी देती रहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो का शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको पीएमसी की ये वाली जो लिंक है ये आपको ओपन करनी है। अगर आपके पास ये वाली लिंक मौजूद नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने यही वाली लिंक डाली हुई, आप इसको क्लिक करके जो है वो इसी पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो पीएमसी की वेबसाइट खुल जाएगी और आपके पास ये लॉग इन ये पूरा जो है वो आ रहा होगा। अगर आप जो है वो इम्प्रूवर्स मुझे अभी सुन रहे हैं जिन्होंने पिछले साल पीएमसी की रजिस्ट्रेशन की थी और वो इस साल जो है वो दोबारा करने वाले हैं, तो आपको अगर अपना पिछले साल जो आपने ईमेल इस्तेमाल किया था और पासवर्ड डाला था अगर वो चीज़ याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डालकर लॉगिन कर लीजिए, और अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है लेकिन ईमेल याद है जो आपने पिछली दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया था, तो आप जो है वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें, वहाँ पर वो ईमेल मांगेगा, वही ईमेल जो आपने पिछले साल डाला हुआ था, रजिस्टर किया हुआ था, वही ईमेल डालेंगे तो आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर आपके पास एक रीसेट पासवर्ड करने के लिए आ जाएगा, वहाँ पर आप अपना रीसेट पासवर्ड करके जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है वो इम्प्रूवर्स को जो है वो ना पासवर्ड याद आ रहा है ना ये याद आ रहा है कि कौन सा ईमेल इस्तेमाल किया था, तो वही काम करें जो इस वक्त मैं फ्रेशर्स के लिए करवाऊंगी। तो अभी आप लोग चाहे इम्प्रूवर्स हैं चाहे फ्रेशर्स हैं, तो अब आपको क्या करना है कि नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो अब आपको क्लिक करें साइन अप पर। सही है, जो फ्रेशर्स और इम्प्रूवर्स मुझे सुन रहे हैं वो भूल चुके हैं कि किस तरह से किया था, तो वो सब क्लिक करेंगे साइन अप पर। तो आप साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कि क्रिएट योर अकाउंट, तो यहाँ पर जो है वो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो अपना शनाख्ती कार्ड हाथ में लेकर बैठिए, अगर आपके पास जो है वो बे फॉर्म से आप जो है वो अपना नंबर डालेंगे जो कि उसके ऊपर CNIC नंबर लिखा हुआ होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता हुआ कि पता है कि उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो ये मैसेज करते हैं कि हमारा तो शनाख्ती कार्ड है ही नहीं, हम कहाँ से नंबर डालें, तो आपका जो बे फॉर्म होता है ना उसके ऊपर आपका जो नंबर लिखा हुआ होता है वही CNIC नंबर होता है, तो आप अपना बे फॉर्म भी कर बैठी है अगर आपके पास CNIC नहीं है। सही है, आपको जो है वो अपना पूरा नाम डालना है, जैसे मैंने रिदा डाला हुआ है, लेकिन मेरा नाम जैसे तथीर फातिमा है तो मैं पूरा नाम तथीर फातिमा डालूंगी, उसी तरह मैंने ये जस्ट एग्जांपल दी हुई है। तो आपको अपना पूरा नाम डालना है, अपने फादर का पूरा नाम डालना है, एंटर योर CNIC पासपोर्ट नंबर विदाउट डैश। ये बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे विदाउट डैश कहा जा रहा है, और जब वो विदाउट डैश नहीं डालते यानी कि डैश के साथ CNIC नंबर डाल के बाकी सब चीजें सही डाल के भी साइन अप करते हैं तब भी वो साइन अप नहीं हो रहा होता, इसकी वजह ये होती है कि आप जो है वो डैश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी और कहा कि हमारा साइन अप नहीं हो रहा, तो ज्यादातर गलती यही होती है कि वो डैश लगाकर जो है वो अपना CNIC नंबर डाल रहे होता है। अगर आपके पास CNIC है तो एज इट इज वही शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें, CNIC नहीं है तो अपना बे फॉर्म निकालें, उसके ऊपर जो आपके नाम के साथ नंबर लिखा हुआ होता है वही आपका CNIC नंबर होता है। फिर आपको कंट्री चूज करनी है तो कंट्री का वो पाकिस्तान चूज करके 92 उसका कोड होता है। मोबाइल नंबर फिर आपको डालना है, मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो कि जो है वो एक्टिव रहता है, यानी कि ऐसा नहीं ज्यादातर आप जैसे कहो तो साइलेंट या म्यूट पे ही रहता होगा, तो ऐसा डालिएगा जो कि एक्टिव रहता है। और ईमेल वो डालनी है जो आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है ना, जिससे वही ईमेल या जो आपका है अपना ईमेल डालना है आपको। सही है, तो वो ईमेल आप यहाँ पर डालिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक न्यू टैब पर जो है वो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। सही है, आपको वहीं का जो है वो ईमेल डालना है। अब पासवर्ड बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हम जीमेल वाला ही पासवर्ड रखें या कोई नया पासवर्ड रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू कि आप पासवर्ड जो है वो नया रखें या फिर जीमेल वाला ही पासवर्ड यूज़ करें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं पासवर्ड वही यूज़ कर लूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नया रखना चाह रहे हैं तो आप नया पासवर्ड भी रख सकते हैं। अपना नाम डालें पूरा, अपने फादर का पूरा नाम डालें, अपना CNIC नंबर डालें, कहीं किसी और का मत डाल दीजिएगा, अपना CNIC आपको नंबर डालना है, बिल्कुल ठीक डालिएगा और विदाउट डैश डालिएगा। सही है, फिर आपको अपनी कंट्री डालनी है, पाकिस्तान डालिएगा, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि बिल्कुल एक्टिव होगा, फिर आपको ईमेल डालनी है, और फिर आपको पासवर्ड डालकर चाहे वो जीमेल का डालें चाहे वो कोई नया डालें, ईमेल और पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि जब हम आगे जाके लॉगिन करेंगे तो यही ईमेल और यही पासवर्ड डालना होगा। अब आप करें साइन अप पे क्लिक।
जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अकाउंट क्रिएटेड, कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है और सक्सेसफुली बन चुका है और अब आप जो है वो लॉग इन हेयर पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप और यही चीज़ ना आपके जीमेल पे भी आ रही होगी, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इस पेज पे तो आपके पास ये शो हो रहा होगा, जब आप अपना जीमेल अकाउंट चेक करेंगे तो वहां पर भी जो है वो ये चीज आ रही होगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आप यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जीमेल पे भी चेक कर लीजिएगा कि वहां पे भी वेरीफाई हो गया होगा आपका अकाउंट कि आपका बन चुका है और यहां पे भी ये चीज शो हो रही होगी। अच्छा, अब अगर मैं इम्प्रूवर्स की बात करूं कि जिन्होंने जो है वो पिछले साल फिल किया था, उनको याद नहीं आ रहा था कि आपने जो है वो कौन सा ईमेल या कौन सा पासवर्ड डाला, तो अगर आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाला है और वो साइन अप की जगह ये दिखा रहा है कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, यानी कि वो ईमेल आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो आप लॉग इन वाला जो पोर्शन मैंने बताया था ना उसके ऊपर फॉरवर्ड पासवर्ड लिखा हुआ था वहाँ पर क्लिक करेंगे, वही ईमेल जो है वो आप डालिएगा और जीमेल मतलब कि अपना नया ऑलरेडी आपने खोला हुआ होगा तो वो आपको जो है रीसेट पासवर्ड दे देगा और फिर आप जो है अपना नया पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवर्स वालों को कोई भी परेशानी या कोई भी मुश्किल हो ये सब करने में, वैसे मैंने तो क्लियर कर दिया है, अगर कोई भी मुश्किल हो तो रिव्यू बाय तथीर फातिमा का पेज है फेसबुक पेज, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर्स भेज के जो है वो पूछ सकते हैं कि इसके आगे क्या करें, तो मैं आपको डिटेल में जो है वो हर चीज़ समझा दूंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। सही है, अगर ईमेल ऑलरेडी न्यूज़ आ रहा है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके वही ईमेल डालकर रीसेट पासवर्ड कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास जो है वो पूरा खुला हुआ आ जाएगा। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो जब आपने जीमेल पर भी जाके चेक किया तो आपके पास वहाँ पे भी अकाउंट की वेरिफिकेशन आ रही थी, फिर जब आपने लॉगिन किया तो वही ईमेल डालना है और वही पासवर्ड डालना है जो आपने जो है वो रखा था जब आप साइन अप कर रहे थे ना, और आपने जो ईमेल और पासवर्ड डाला था वही चीज़ें यहाँ पर डाल के लॉगिन करनी है, और वो जिनका जो है वो ऑलरेडी न्यूज़ ईमेल आ रहा था वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें, जब वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना ईमेल डालेंगे तो उनको जो है वो रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपका वो जीमेल अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं। सही है, अब आपका लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है ये खुलावा मिलेगा स्टूडेंट ऑनलाइन पूरा, तो इसको जो है वो ये आपके पास ऑटो फिल हुआ आएगा क्योंकि आपने जब साइन अप किया था तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आप डाल चुके थे, तो एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका नाम पूरा सही लिखा हुआ है, फादर नेम बिल्कुल ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और पाकिस्तान ही आपने लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है इसको अफगानिस्तान ही छोड़ दिया, ईमेल बिल्कुल सही है, CNIC नंबर बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटो फिल हुई भी होंगी, लेकिन आप ये सब ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि आगे चल के जो है वो फिर परेशानी हो जाएगी अगर आपने CNIC नंबर भी जो है वो गलत डाला हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिसेस दिए हुए, प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर रजिस्टर योर सेल्फ, अभी हम अपनी जो है वो प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर डेट योर नेम शुड मैच विद योर CNIC पासपोर्ट, यही कहा जा रहा है कि आप अपना ही CNIC नंबर डालेगा, ऐसा ना हो नाम अपना डाल लें, CNIC नंबर गलती से आप अपने अब्बू का डाल लें, ऐसा मत कीजिएगा, यू कैन नॉट एडिट योर CNIC पासवर्ड एंड ईमेल, और फिर आप अपना जो है वो CNIC और पासवर्ड ईमेल भी एडिट नहीं कर सकते अगर आपने गलत डाल दिया, तो इस तरह और जब आप जो है वो साइन अप कर लेंगे और लॉग इन करेंगे तो आपका ये ऑटोफिल आया हुआ होगा, चौथा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जब आप साइन अप करके लॉग इन करेंगे तो आपके पास ये जो फॉर्म खुला होगा ये ऑटोफिल हुआ हुआ होगा। अब आपने ये कर लिया ना, अब आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मेरे साथ साथ फॉर्म भर लेंगे तो आराम से फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कि डेबिट कार्ड के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए कैसे फिल करना है, और चलान अगर आप मतलब कि बैंक जाके फिल करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अपडेट का प्रोफाइल हमने कर लिया जो कि अभी हम कर रहे थे, अब आप जो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने जो है वो गलती से ये सब करने के बाद जो है वो अपडेट पे क्लिक कर दिया है तो आपको उसने जो है वो दोबारा से बाहर फेंक दिया होगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया था तो वो दोबारा से आपका ईमेल मांग रहा होगा और पासवर्ड मांग रहा होगा, तो आप वही ईमेल डालें जो कि आपने वहाँ पे यूज़ किया था, वही पासवर्ड डाल दें जो आपने अभी डाला था, फिर से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सेम इसी जगह पर ले आएगा, तो अपडेट योर प्रोफाइल ये ऑटो फिल हुआ हुआ आ रहा होगा, उसके बाद आपको डालना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दें, अपडेट के ऊपर क्लिक नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ, अगर कर भी लेंगे तो वही लॉगिन पासवर्ड वो ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अब आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, जब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे
तो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट नेम भी ऑटो फिल हुआ हुआ होगा, फादर नेम भी ऑटो फिल हुआ हुआ होगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी ऑटो फिल हुआ हुआ होगा। फिर आपको डालना है पोस्टल स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं ना जिस एरिया में, तो वहाँ का आपको जो है वो पोस्टल स्ट्रीट एड्रेस डालना है। जैसे कि मैंने डाला हुआ है 74600, ये है नाजोबाद कराची का। अगर आप भी नाजोबाद कराची के हैं तो आप भी जो है वो ये पोस्टल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और जगह के हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से पोस्टल एड्रेस निकाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर कहा जा रहा है कि HSSC और FSC, यानी कि जहाँ से आपने इंटर किया है उस इंस्टीट्यूट का नेम लिखें। तो मैंने यहाँ पे डाला वैसा सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आपने जहाँ से किया हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखें, इंटर वाले इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर जो इंस्टीट्यूट यानी कि इंटर का इंस्टीट्यूट किस कंट्री में है, तो अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आप जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सिटी, अगर आप पाकिस्तान में जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर किस शहर में आपने इंटर किया हुआ है, तो उस शहर का नाम आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना जेंडर चूज करना है। फिर नीचे लिखा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है चूज नेशनलिटी टाइप, तो आप पाकिस्तानी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे पूछा जा रहा है चूज वन CNIC या बे फॉर्म, तो अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आप CNIC को सेलेक्ट कीजिए, अगर बे फॉर्म बना हुआ है तो बे फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए। फिर कहा जा रहा है वेयर वुड यू लाइक टू टेक एग्जाम, तो आप इसके अंदर क्या सेलेक्ट करेंगे, इन पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर देना चाहते हैं ना एग्जाम, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे। फिर कहा जा रहा है अपलोड योर पिक्चर, दिस पिक्चर मस्ट बी पासपोर्ट साइज विद ब्लू बैकग्राउंड, तो आपको इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो इतनी सालों से पिक्चर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना एनरोलमेंट के अंदर, वो भी ब्लू बैकग्राउंड की होती है, पासपोर्ट साइज़ की होती है, तो आप मोबाइल से उस पिक्चर को खींचे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, वही यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वही पासपोर्ट साइज़ भी होती है और वही ब्लू बैकग्राउंड भी होती है, तो पिक्चर का कोई इतना इशू नहीं होता। क्योंकि बच्चे बहुत से पूछे होते हैं कैसे पिक्चर, पता नहीं पासपोर्ट साइज़ हो भी तो हो भी या ना ही हो, तो आप उसी पिक्चर को जो है वो खींच कर यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि अपना जो है वो CNIC नंबर लिखिए, तो आप यहाँ पे विदाउट डेट CNIC नंबर लिखिएगा, CNIC इशुएंस डेट लिखिएगा, जहाँ पर जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर का कराची लिखिएगा, मतलब कि उस शहर का नाम लिखिएगा। फिर डोमिसाइल आपका जिस शहर का बना हुआ है उस शहर का जो है वो नाम लिखिएगा, जाहिर आप जहाँ रहते होंगे उसी शहर का जो है वो डोमिसाइल बना हुआ होगा। फिर आप कीजिएगा ये सब फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट, सबको सही सही भरकर जो चीज़ें बताई हैं उसके बाद आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि MDCAT की फ़ीस जो है वो पाकिस्तान के अंदर 6,000 रुपये है आप, लेकिन अगर ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करेंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, तो उसके ज़रिए अगर पेमेंट करेंगे तो आपको पे करना होंगे 6,015 रुपये। और अगर आप जो है वो बैंक जाकर यानी कि चालान निकलवा कर जाकर जो है वो पेमेंट करेंगे बैंक के ज़रिए, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 6,030 रुपये। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट बैंक चार्जेस हैं, अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो 6,015 और अगर जाकर फिल करेंगे तो 6,030 रुपये। तो आप ये याद रखिएगा कि आपको ऑनलाइन पे करने के लिए 6,015 रुपये आपके कार्ड के अंदर होने ही चाहिए और बैंक ले जाने के लिए आपके पास 6,030 रुपये होने चाहिए। तो पहले वो बच्चे जो कि बैंक के ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले मैं बता देती हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कैसे पे करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को पहले जो है वो क्लिक कर लीजिए, अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर रहे हैं तो इसको क्लिक करिए, अगर आप MCB बैंक में ही अच्छा आपको चालान भरना है ये बात याद रखिएगा, और अगर आप चालान निकलवाना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। पहले जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना कार्ड के जरिए, वो इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू पे करें। तो यहाँ पर आप जब प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल्स मांगी जा रही होंगी, कार्ड नंबर मांगा जा रहा होगा, जो कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है वो आप यहाँ पे डालिएगा। फिर कार्ड का एक्सपायरी मंथ मांगा जा रहा है और एक्सपायरी ईयर मांगा जा रहा है, तो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा वही देखते हुए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कार्ड जिसका भी है उस कार्ड होल्डर का नेम जो है वो यहाँ पर डालिएगा, सिक्योरिटी कोड यानी कार्ड को पलट कर देखें तो उसके पीछे 3 डिजिट्स लिखे हुए होंगे, सही है, वो 3 डिजिट्स यहाँ पर आप जो है वो डाल दीजिएगा। फिर बिलिंग एड्रेस कहा जा रहा है, तो स्ट्रीट नंबर 1 में जो है वो आप अपने घर का एड्रेस डालिएगा, जैसे आप जो भी एड्रेस है, जैसे कि 3C5/2, ऐसे कोई भी अगर आपका एड्रेस है ना, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, तो जो भी आपका एड्रेस है घर का वो यहाँ पे डालिएगा। फिर जो नियर, जो आपके करीब में जो चीज़ बहुत ही अच्छी मशहूर से आप वो डाल दीजिएगा, सही है। फिर आप जो है वो जिस सिटी में रहते हैं वो डालिएगा, जैसे कि कराची और प्रोविंस के अंदर सिंध और पोस्टल कोड, यानी जो आपने उस वक्त यूज़ किया था वही पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पे डालिएगा। कंट्री में आप डाल दीजिएगा, पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप ये सारी जो है वो चीज़ें
फिल कर लेंगे। तो अब आप जो है वो पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद भी अभी आपके कार्ड के ऊपर से डिटेक्शन नहीं होगी पैसों की। जब मैं बताऊंगी ना कि पैसे डिटेक्ट हो गए हैं, तब आपके कार्ड में से जो है वो पैसे डिटेक्ट होंगे। अभी आप ये सारी फिलिंग करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एक कोड आएगा, सही है, एक कोड आएगा। वो पूछ रहे हैं कि वो ईमेल पे भेजें या टेक्स्ट पे भेजें। तो आप जो उसका भी कार्ड है उससे पूछ लेगा कि मैं ईमेल को सेलेक्ट करूँ या टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ। तो जो उसको जो है वो सही लगेगा वो आपको बता देगा। फिर आप दोनों में से किसी एक को चूज करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके पास जो चीज़ सेलेक्ट की गई होगी, अगर आपने ईमेल सेलेक्ट किया है, तो उस ईमेल के ऊपर जो कार्ड होल्डर है उससे कहिएगा कि अपने ईमेल को चेक कीजिए, उसके ऊपर जो कोड आ रहा है वो आपको बता दीजिए। तो वो जो कार्ड का आपको कोड बताएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर उन्होंने टेक्स्ट को चूज़ करवाया होगा तो टेक्स्ट के ऊपर जो कोड आया होगा वही आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर वन टाइम पासवर्ड OTP। तो यहाँ पर आपको जो है वो जो पासवर्ड आ रहा होगा वो यहाँ पर आप डालकर सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं आया पासवर्ड तो आप दोबारा जो है वो क्लिक हियर टू रिसीव अनदर कोड के ऊपर क्लिक करें और दोबारा अगर आपके पास आ जाएगा तो आप यहाँ पे जो है वो पुट करके सबमिट कर दीजिएगा। वैसे पहली ही बार में कोड आ जाता है, लेकिन अगर इन केस नहीं आया तो इसलिए बताया। तो कोड को यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके पास जो है वो पूरा आ गया कि आपका नाम ये है और आप जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपका रोल नंबर ये है, सही है। और आपको कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद जो है वो आपको एग्जाम सेंटर और डेट बता दी जाएगी, सही है ना। ये सब आपका जो है वो सामने आ गया। अब आप जो है वो पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड में से डिडक्शन हो जाएगी पैसों की और फाइनली आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अभी भी आपके जो कार्ड में से जो है वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा। अब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो कार्ड के अंदर से डिडक्शन हो जाएगी। जब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड पेमेंट एंड आर नाउ रजिस्टर्ड फॉर MDCAT एग्जामिनेशन। तो आप जो है वो अब फाइनली रजिस्टर्ड हो चुके हैं MDCAT एग्जामिनेशन के लिए। अब आप जो है वो फ्री हो जाए और बिल्कुल जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है वो पेमेंट भी कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। अब दिल लगा के पढ़िए और इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो एडमिशन हो जाएगा। अब वो बच्चे जो कि जो है वो बैंक में जाके चालान भरेंगे, अब उनके लिए प्रोसीजर बताते हैं। तो आपने जो है वो सेलेक्ट किया पे थ्रू MCB बैंक चालान फॉर्म, तो इसको आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके पास ये चीज़ आई होगी, सही है, यही चीज़ आई है ना। इसके ऊपर आपको किस तरह से फिल करना है ये सुनिए, इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और यही आपको जो है वो चीज़ लेकर जो है वो बैंक जाना है। MCB बैंक के अंदर जो है वो ये जमा होगा, वहाँ पे आपको जो है वो 6030 रुपये लेके जाना है। 30 रुपये जो है वो बैंक चार्जेस होंगे। स्टूडेंट नेम, आपको अपना स्टूडेंट नेम भी आ रहा होगा, एग्जाम टाइप आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी आ रहा होगा। फिर आपसे कहा जा रहा है डिपोजिटर्स नेम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और जिस तारीख को डिपॉजिट करनी है वो डेट लिखनी है। और पेमेंट मोड, यानी कि आप कैश से दे रहे हैं या वहाँ पर कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये सब करेंगे, फिर नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिटर सिग्नेचर और कैशियर सिग्नेचर। डिपॉजिटर सिग्नेचर के तीनों खानों में आपको ही साइन करना है। फिर जब आप ये सब फिल करके बैंक जाकर MCB बैंक जाकर वहाँ पे ये सबमिट करवाएंगे, 6030 रुपये की पेमेंट करेंगे, तो आप घर आके फौरन जो है वो अपना लॉगिन करके परेशान मत हो जाइएगा कि एप्लीकेंट स्टेटस में पेड क्यों नहीं आ रहा। तो पेमेंट आने के लिए या पेड आने के लिए जो है वो आपको तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, 24 नहीं तो 32 घंटे, वरना मैक्सिमम जो है वो 48 आवर्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। सब मैं अगर आपके पास 24 घंटे में आ रहा है तो सही है, 32 घंटे में आ रहा है तो सही है। अगर इन दोनों वक्तों में भी नहीं आ रहा या इतने घंटे बाद भी नहीं आ रहा तो कम अज कम आपको 48 आवर्स का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह ताला 48 आवर्स के बाद आपके पास जो है वो पेड लिखा हुआ आ जाएगा और आप लोग भी जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए होंगे MDCAT रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत सी जो है वो क्वेश्चन आए थे कि हमारे पास पेड नहीं आ रहा, हमारे पैसे ज़ाया हो गए, अब हम क्या करें। तो आपको जो है वो यहाँ पर 48 आवर्स का इंतज़ार करना है पेड आने के लिए। अब ये जो तीन कॉपीज है ना चालान की, एक है PMC कॉपी, एक है बैंक कॉपी और एक है कॉलेज कॉपी, तो आपको वो लोग देंगे PMC कॉपी वापस। अब इसको कहीं जो है वो आपको TCS नहीं करवाना, कुछ नहीं करना, बल्कि इसको संभाल के रखना है एज अ सबूत के जरिए, सही है। ये भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था कि इस कॉपी को हम कहाँ पे जो है वो TCS करवाएं, कोई एड्रेस, कोई ये वो। तो भाई इसको आपको कहीं पे भी TCS नहीं करना, कहीं नहीं भेजना, बल्कि अपने पास जो है वो संभाल के रखना है।
जो है ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। चाहे आपने ऑनलाइन पेमेंट करी हो, चाहे आपने बैंक में जाके जमा किया हो, आपको जो है वो सारी डिटेल्स इसकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने चालान निकलवा लिया, उनकी ड्यू डेट जो है वो गुजर गई है, तो ये बात याद रखिएगा कि चालान जो है वो 7 दिन तक वैलिड रहता है। अगर 7 दिन के अंदर जो है वो आप पेमेंट नहीं करवा पाएँ तो आप दोबारा से जो है वो पे चालान को क्लिक करें, यानी कि चालान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पे नाउ के प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके पास जो चालान आएगा ना, मतलब कि वो नई डेट के साथ आएगा। जिस तरह से आपने चालान को प्रिंट किया था बिल्कुल उसी तरह से दोबारा से वो स्टेप कीजिए और अब आपके पास जो चालान आएगा वो नई न्यू डेट का आएगा, सही है। और चालान जो है वो 7 दिन तक वैलिड रहता है, ये बात याद रखिएगा। 15 जुलाई तक का आपके पास टाइम है, आप कभी भी जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आप जो है वो 15 से 13 जुलाई तक, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लीजिएगा। अब ये वीडियो आज की जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मेरे चैनल को जाके जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए अगर ये वीडियो आपके लिए जो है वो फायदेमंद रही है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।